देखिए गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने वहां पर लिखा है कि माय न्यू स्मार्टफोन, तो उसी तरह से गाइस मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग करने वाला हूं आईफोन एक्स, जो कि मैंने भोपाल मार्केट में जाके ऑफलाइन स्टोर से सेकंड हैंड परचेज किया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपके लिए सेकंड हैंड स्मार्टफोन बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रंट में आपने लिखा देखा होगा रिफर्बिश्ड स्मार्टफोन, तो गाइस ये स्मार्टफोन रिफर्बिश्ड नहीं है, ये सेकेंड हैंड स्मार्टफोन है, बट इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इस वजह से मैंने इसको परचेज किया। तो कुछ और टिप्स बताऊंगा आपके लिए कि आपके लिए किस तरह से सेकंड हैंड स्मार्टफोन को चूज करना चाहिए और किस हद तक इनको लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए। तो बात करें गाइस, क्या है इसके बॉक्स कंटेंट मिलते हैं हमारे लिए सेकंड हैंड में और कैसी मिलती है स्मार्टफोन की कंडीशन। मैं ऋषि सेंगर, मेरे चैनल यूट्यूबर एक्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं गाइस और देखते हैं कैसा है ये स्मार्टफोन और ये स्मार्टफोन मेरे लिए कितना अच्छा होता है। देखिए गाइस, ये आ जाता है आईफोन एक्स का बॉक्स, जिसको ऊपर से ही देखकर लग रहा है कि आपके लिए ये स्मार्टफोन सेकंड हैंड स्मार्टफोन है, बिकॉज यहाँ पर बॉक्स की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है बैक साइड से। इसके अलावा जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। फर्स्टली आपके लिए एक सेक्शन रखा हुआ देखने को मिलता है, जिसमें आपके लिए एक हेलो गाइड देखने को मिलती है और कुछ एप्पल स्टिकर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइस, आपके लिए नीचे की साइड रखा मिल जाता है स्पेस ग्रे कलर में आईफोन एक्स 256 GB वाला स्मार्टफोन, और आपके लिए इसमें एक इनवॉइस मिलता है जिसको मैं वीडियो में नहीं दिखा सकता हूं, जिस पर आपके लिए यहां पर प्राइस देखने को मिलती है 1,02,000 के अप्रोक्स 256 GB वाले वेरिएंट की। इसके अलावा नीचे की साइड रखे मिल जाते हैं ईयरपॉड, जिसमें आपके लिए लाइटनिंग कनेक्टर का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज आपके लिए इस स्मार्टफोन 3.5 mm वाले ऑडियो जैक का कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर एक डोंगल का सपोर्ट मिलता है, इससे आप 3.5 mm वाली एसेसरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, आपके लिए नीचे रखा मिल जाता है 5V 2A का एक स्लो अडेप्टर और एक लाइटनिंग केबल, जिसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है स्मार्टफोन के साथ। इसके अलावा बॉक्स कंटेंट में और कुछ भी नहीं है। आइए चलिए अब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। तो देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास स्मार्टफोन, जो कि हमारे पास पहले से ही सेटअप आ रहा है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन फुल्ली जेस्चर पर बेस्ड है, जिसमें ऊपर से राइट कॉर्नर पे आप स्वाइप करेंगे तो आपके लिए कंट्रोल पैनल देखने को मिलता है, उसी के अपोजिट में आप स्वाइप करेंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन बार मिलता है, नीचे की साइड से आप स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपके लिए रिसेंटली एप्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ और जेस्चर्स स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसकी फर्स्टली बात करते हैं कैमरा की, तो कैमरा में आपके लिए यहाँ पर टाइम लैप्स, स्लो मोशन मोड, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, पैनारोमा मोड, स्क्वायर मोड जैसे ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। 2x का ऑप्टिकल जूम मिलता है इस स्मार्टफोन में। इसके साथ साथ गाइस, कुछ पिक्चर देख रहे होंगे जो कि इसी स्मार्टफोन के द्वारा खींची गई हैं, कुछ होंगी आपके लिए पोर्ट्रेट मोड पर, कुछ होंगी आपके लिए स्लो मोशन वीडियो। इसके अलावा कुछ और अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर आप देखने को मिल रही होंगी, जो कि इसी कैमरा क्वालिटी को बताते हैं। इसके अलावा गाइस, बात कर लेते हैं सेटिंग में चल के अबाउट में, इसमें आपके लिए 256 GB वाला ये वेरिएंट है, जिसमें यहाँ पर 12.4.1 लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा iOS 13 का अपडेट भी आपके लिए इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाइस, हम चलते हैं एप्पल की कवरेज apple.com वेबसाइट पर, जिस पर देखेंगे कि यह स्मार्टफोन वैलिड परचेज है या नहीं है। इस तरह से आप सेकंड हैंड स्मार्टफोन को चेक कर सकते हैं कि कहीं वो स्मार्टफोन फेक तो नहीं है। तो आप इसके सीरियल नंबर को कॉपी करके चेक कवरेज apple.com पर आप जाके वहां पे टाइप करके कैप्चा करके वहां पे जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए वहां पर स्मार्टफोन की डिटेल सामने आ जाएगी। जैसा कि आप इस स्मार्टफोन की डिटेल देख रहे होंगे, इसमें हमारे पास वैलिड परचेज देखा गया है और यह स्मार्टफोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका है, बिकॉज यह स्मार्टफोन 13 मंथ ओल्ड है, मतलब कि आपके लिए 13 महीने चले स्मार्टफोन है, जिसकी वारंटी अभी 1 मंथ पहले ही खत्म हुई है। यह हमारे पास इस स्मार्टफोन की फुल्ली डिटेल आ चुकी है। इस तरह से आप भी स्मार्टफोन को चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट पर जाके। इसके अलावा गाइस, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी हेल्थ की। चलते हैं बैटरी में, बैटरी हेल्थ देखते हैं गाइस। तो आपके लिए इस स्मार्टफोन की बैटरी हेल्थ देखने को मिलती है 88% के अप्रोक्स गाइस। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसके फेस आईडी की, तो फेस आईडी को चेक करके देखते हैं। हम जल्दी से पूरी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, जिससे इसकी फेस आईडी को चेक करें कि इसकी फेस आईडी हमारे लिए कैसी परफॉर्मेंस देती है। देखिए गाइस, 100% डार्कनेस हो चुकी है। इसके अलावा भी हमारा स्मार्टफोन यहाँ पर फेस आईडी से स्मार्टफोन को अनलॉक कर रहा है, मतलब कि फेस आईडी से स्मार्टफोन की स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। आपके लिए यहाँ पर फेस आईडी और स्मार्टफोन में कहीं भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, मतलब कि सेकंड हैंड स्मार्टफोन होने के साथ साथ यह स्मार्टफोन बिल्कुल बेस्ट है। अगर आप चाहें तो आप भी सेकंड हैंड स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं। आपके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, जैसे आप चेक कवरेज apple.com पर जाके इसकी वारंटी
गारंटी और वैलिड परचेज को चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसकी बैटरी हेल्थ को चेक कर लें कि वो आपके लिए कैसी देखने को मिलती है। इसके अलावा गाइस आप देख लीजिए स्मार्टफोन की कंडीशन कैसी है, उस पे स्क्रैचेस तो नहीं है, क्योंकि आपके लिए देख रहे होंगे इस स्मार्टफोन की कंडीशन से आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यह स्मार्टफोन यूज्ड है। की जो जनरल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इस अनबॉक्सिंग वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर पोल में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक करके इसकी स्पेसिफिकेशन को भी जान सकते हैं। जनरल स्पेसिफिकेशन आपके लिए डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा स्मार्टफोन की कंडीशन बहुत ही बेहतर देखने को मिली, इस वजह से मैंने स्मार्टफोन को बाय करा। और जहां से मैंने यह स्मार्टफोन को बाय किया है वहां पर 48,000 में ओनली 1 मंथ ओल्ड स्मार्टफोन भी वहां पर देखने को मिल जाता। अगर आप चाहें तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस मिल जाएगा, आप भी जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं एक आधे स्मार्टफोन अगर बाय करना चाहते हैं तो। देखिए गाइस, जैसा कि आपने इसे स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखी, हमारे पास इसमें बॉक्स कंटेंट देखने को मिले वो थे हमारे पास एक लाइटनिंग केबल, जिसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर एक पावर एडेप्टर था 5 वोल्ट 2 एम्पियर के अप्रॉक्स का, आपके लिए एयरफोन भी देखने को मिला। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एयरफोन का डोंगल था वो इस स्मार्टफोन के बॉक्स में नहीं था, बट जिस शॉप से मैंने बाय किया है वहाँ से उन्होंने मेरे लिए यहाँ पर एक डोंगल भी दिया। मतलब कि जो भी बॉक्स कंटेंट है वो आपके लिए सारे इस स्मार्टफोन के साथ देखने को मिले। इसके अलावा आपके लिए एक वैलिड बिल मिला जिस पर प्राइस आ रही है 1,02,000 के अप्रोक्स। गाइस 18 मंथ के अप्रोक्स यूज्ड स्मार्टफोन है, बट इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल बेस्ट है। और इसके साथ साथ मैंने आपके लिए जो इसकी शॉप है जहां से मैंने इस स्मार्टफोन को बाय किया उसका एड्रेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, तो आप वहां से जाके इसको देख सकते हैं, इस एड्रेस पर जाके इस स्मार्टफोन को भी चेक कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्मार्टफोन उस शॉप पर आते रहते हैं गाइस। जैसा कि मैं जब शॉप पर गया तो वहां पर आपके लिए ओनली 2 मंथ यूज्ड स्मार्टफोन आपके लिए को मिल जा रहा था 48,000 प्राइस में। उसमें आपके लिए 10 मंथ की एप्पल इंडिया वारंटी मिल रही थी, बट में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, वो थी आपके लिए यहां पर 64 गीगाबाइट्स वाला वेरिएंट। गाइस लेकिन मेरे लिए वो बिल्कुल सफिशिएंट नहीं था, बिकॉज मैं यहाँ पर यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, तो वो वहाँ पर स्टोरेज मेरे को सफिशिएंट नहीं थी। इस वजह से मैंने 55,000 में ये वाला 256 GB वाला स्मार्टफोन बाय किया, बिकॉज 2 वुड पर ये स्मार्टफोन ज़्यादा अच्छा देखने को मिल नहीं रहा था। इसके साथ साथ सेल बड़ी पे इसकी प्राइस 60,000 के अप्रोक्स जा रही थी, जिसमें आपके लिए 12 मंथ वेंडर वारंटी मिलती है। इस वजह से इसको मैंने भोपाल में देखा, खुद ने टेस्ट करा, कुछ यहाँ पर आपके लिए जैसे चेक कवरेज एप्पल वारंटी पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसकी वैलिड परचेज है या नहीं है, उस तरह से 1-2 तरीके थे चेक करने के। उस तरह से मैंने इसको चेक करा और मेरे लिए स्मार्टफोन में कोई भी डिफेक्ट देखने को नहीं मिला, इस वजह से मैंने ये स्मार्टफोन बाय करा। इसके साथ साथ मैं इसको पर्सनल यूज करूंगा, तो आगे इससे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ये जो शॉप है ये बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे स्मार्टफोन पहले भी बाय किए हैं। इसके अलावा एक्स की यहाँ पर डील बहुत अच्छी मिली, इस वजह से मैंने इस स्मार्टफोन को बाय करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, जिससे आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में चैनल पे देखने को मिलती रहे। बेल आइकन को हिट कर दें जिससे वीडियो को जैसे ही डालूं और आप वीडियो को देख सकें सबसे पहले। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आगे मिलते हैं अपन किसी नई वीडियो में।